हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये स्कूल बैग क्या करेगा, इससे पढ़ने जा रहा है? कहा पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे इस स्कूल बैग से कि आप फुल बॉडी वर्कआउट कैसे करेंगे। काफ़ी लोग मुझसे मैसेज करते हैं कि हमारे पास किसी भी प्रकार का डंबल नहीं है, हम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, और तो और अभी लॉकडाउन है उसके कारण भी जिम बंद है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, आप घर में इस स्कूल बैग की मदद से अपनी फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें आपका चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप्स, मतलब सारे मसल्स आपके इन्वॉल्व होंगे। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि इससे कैसे करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैग का चैन खोलना है और दो ईंटें लाना, ठीक है। ईंटा उतना ही रखिएगा जितना आप उठा सके, नहीं तो क्या होगा, आपकी भी फटेगी और बैग भी फट जाएगी आपके, समझ रहे ना। घर में डांट सुनेंगे आप, आई झोला इसलिए लाया है क्योंकि हमको बैग गंदा नहीं करना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको इसमें रख देना है, ठीक है। और जो आपकी पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी चेस्ट, अपर बॉडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप चेस्ट के लिए कर रहे हैं पहली एक्सरसाइज, वो आपकी क्लोज ग्रिप बैक प्रेस, ठीक है। जो डंबल प्रेस करते हैं ना क्लोज ग्रिप से, ये देखिए आर्च, यहाँ आपका आर्च रहेगा, देखिए फांका देख रहे ना, आर पार हो रहा है ना, इस तरीके से टच प्रेस सोचते हुए, नहीं सोचिएगा कुछ भी आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा, मतलब समझिए कि आपका बर्बादी है, नहीं सोचिएगा तो बर्बादी है, समझ रहे हैं। सोचे नीचे इस तरह से करना, कम से कम इसको एक बार में 15 से 20 बार करेंगे और आपका सेट रहेगा 4 से 5। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब ईटा है ये है तो स्कूल बैग से क्यों करा रहे हैं, मानते हैं आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर हम आपको बोलेंगे कि पर डे रोटी खाओ, चावल खाओ और वही सब्जी खाओ, तो आप खाइएगा? बिल्कुल भी नहीं खाइएगा, आपका माइंड उबिया जाएगा, आपको खुद बोरिंग लगने लगेगा कि ये माँ रोज़ एक ही चीज़ क्यों बना रहे हो, अलग बनाओ, मतलब आज चिकन खाएंगे, किसी दिन मटन खाएंगे, किसी दिन फ्रेश बीन का सब्जी खाएंगे। इसी प्रकार से क्या है, अगर आप एक ही चीज़ से सिर्फ ईटेस करेंगे तो आपका माइंड भी बोरिया जाएगा और आपका मसल भी समझेगा कि हमको एक ही तरीके से कराता है। और आपको मसल को ये नहीं मालूम है, आपके शरीर को ये नहीं मालूम है कि हमको डंबल से करा रहा है या ईटे से करा रहा है या स्कूल बैग से करा रहा है, ठीक है। बस आपको एक्सरसाइज करना है, समझ गए ना आप। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे आपका बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लिए आपको ऐसे पकड़ना, देखिए ऐसे पकड़ना है, ठीक है। आपका पोजिशन ये रहेगा पुश, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा कि ईटा थोड़ा कम कर लीजिएगा, ठीक है, ये सोचते हुए, ठीक है। इसको भी सेम करेंगे, वही आपका 15 से 20 और सेट रहेगा आपका 3 से 4। अब करेंगे आपका बाइसेप मसल, ठीक है। बाइसेप बहुत लोगों का फेवरेट है, तो बाइसेप्स के लिए क्या करेंगे, 2-3 ईटे और इंक्लूड कर देंगे क्योंकि आपको ये हल्का लगेगा। ऐसे रहेगा आपका पोजीशन, देखिए ऐसा अप नीचे, अप नीचे 90, ठीक है। ऊपर पूरा नहीं करना, ऊपर के लिएगा रिलैक्स हो जाएगा, यहीं रखना आपको 90, ठीक है। नीचे अप नीचे सोचते हुए अप, इससे भी वही करेंगे सेम, ठीक है। ये होगी आपकी पहली वेरिएशन। दूसरी वेरिएशन में आप कर सकते हैं हैमर कर्ल। हैमर कर्ल आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जिनको भी अंडा लाना ये वाला तो हैमर से ही आएगा आपका, 3-4। इसको करिए कम से कम 20 बार, ठीक है, 20-25 बार करिएगा और सेट रहेगा आपका थोड़ा ज़्यादा 4 से 5, ठीक है। आपका बाइसेप्स कंप्लीट। अब करेंगे आपका ट्राइसेप मसल, ठीक है। ट्राइसेप मसल को भी आपको स्किप नहीं करना है, अगर आप ट्राइसेप नहीं बनाएंगे तो आपका बाइसेप भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है, अगर ये बड़ा होगा आपका ये ऑटोमेटिक बड़ा होगा, ये बड़ा होगा ये बड़ा होगा, ठीक है। ट्राइसेप्स के लिए करेंगे पहली एक्सरसाइज, वो है आपकी किक बैक। ऐसे पकड़ेंगे, देखिए आप पुश, देखिए प्रेशर, देखिए ये देखिए कटिंग, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखिए ये स्ट्रेच पूरा, ये सोचते हुए, ठीक है। हर बार हम आपको बोलते हैं कि जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, कुछ भी करेंगे, अगर आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, पढ़ रहे हैं और अचानक सोच रहे हैं घरों में कहाँ बनेगा, तो आपका माइंड लगेगा, आपका फोकस होगा, समझ रहे ना। तो एक्सरसाइज भी करेंगे तो सोचेंगे। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे आपका, देखिए ये देखिए बाइसेप पोजीशन है ना, बाइसेप पोजीशन है और स्ट्रेच करना, देखिए ये फ्लैक्स, ये स्ट्रेच जैसे केबल में कैसे करते हैं, केबल रोप एक्सटेंशन ये करते हैं ना, सेम उसी तरीके से इसमें करेंगे। ये पहले उठाएं पुश, देखिए ये पुश पुश पुश, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा भाई, ठीक है। जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास डंबल नहीं है,
जिनके पास किसी प्रकार का साधन नहीं है कि वो जिम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन होगा, स्कूल बैग हो गया, ब्रिक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें, आप बॉडी वेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब करेंगे आपका बैक मसल, ठीक है, बैक आपका पोजीशन क्या रहेगा वो समझिए, इसको पकड़ेंगे ऐसे, ठीक है, और आपका पोजीशन ऐसे रहेगा, देखिए सबसे पहले ऐसे रहेंगे पोजीशन, यहाँ निकल, बॉडी वेट आपका आ गया, झुका गया ऐसे, और ये नीचे धीरे गए, ये मतलब टी बार कर रहे हैं, जिम में कैसे करते हैं टी बार, ऐसे नहीं करते हैं, ये 1 2 धीरे धीरे 3 4, इसको करिएगा आप 15 से 20 के बीच में, और सेट रहेगा आपका 4 से 5। अब करेंगे आपका लोअर बैक, लोअर बैक बहुत लोग स्किप करते हैं, जिसके कारण क्या होता है बहुत लड़खड़ा जाते हैं, हैवी डंबल से मतलब वर्कआउट करते हैं, बेंच प्रेस लगाते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, तो उनका कमर इंजरी हो जाती है, और जाहिर सी बात है कि होगी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अभी से मजबूत करेंगे, डेड लिफ्ट करेंगे, देखिए अब आपके पास तो जिम नहीं है, रोड नहीं है, तो स्कूल बैग से भी तो हो जाएगा, हम बता रहे ना, काल घबरा रहे, आपका पोजिशन ऐसे रहेगा, देखिए सीधा, ठीक है, धीरे धीरे ये गए अप, ठीक है, धीरे धीरे स्ट्रेच, धीरे धीरे गए, और एक बात हमेशा ध्यान रखें, बहुत लोग क्या करते हैं कमर को ऐसे कर देते हैं, देखिए झुका के बैंड कर देते हैं ऐसे, अब फिर ऐसे करके करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको तो कुछ प्रेशर ही नहीं पड़ रहा, तो आप गलत तरीके से कीजिए, थोड़ी प्रेशर आएगा, नहीं आएगा, इसको क्या करेंगे ऐसे करके, देखिए ये आर्च, ठीक है, जैसे हम लोग चेस्ट प्रेस कैसे करते हैं उसी तरीके से रहेगा आपका पोजिशन, ये धीरे धीरे टच अप, तो आपको इस तरीके से करना, इसमें थोड़ा सा वेट इंक्लूड कर दीजिएगा, फिर क्या होगा आपको अच्छी खासी प्रेस आएगी। अब करेंगे आपका शोल्डर, इसके लिए करेंगे आपका फ्रंट रेज, देखिए ऐसा रहेगा आपका पोजीशन, पकड़ना इस तरीके से सीधा, 1 सेकेंड 1 2 नीचे, आपके डेल्टॉइड मसल के लिए, समझ रहे हैं, बहुत भयंकर चीज़ है, 1 2 3, फिर करेंगे 1 2 3, ये होगी आपकी पहली एक्सरसाइज, ठीक है, इसको करिए कम से कम 10 बार 12 बार 15 बार, ठीक है। अब करेंगे आपके कॉलर मसल के लिए, आपके ट्रैप मसल के लिए, अब ट्रैप मसल बहुत भयंकर मसल है, ठीक है, अगर ये थोड़ा सा भी उठ जाएगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, समझ रहे हैं, गंजी पहने के उठा हुआ लगेगा, समझ रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि उठ जाए, लेकिन क्या बोले, बहुत जिद्दी चीज़ है ये, जल्दी आता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपराइट रो करेंगे, ये देखिए इसको बोलते हैं अपराइट रो, देखिए ऐसे धीरे धीरे नीचे गया अप, दम स्लो तरीके से कीजिएगा, स्पीड में करेंगे ऐसे करेंगे कछुआ तरीके, समझ रहे ना, तीसरे से आपको नहीं करना, धीरे धीरे करेंगे, प्रेस भी आएगा आपका और आपको मन भी लगेगा। अब आता है आपके लेग्स मसल में, आपका पिलर में सबसे भयंकर चीज़ है, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा गड़बड़ा जाएंगे, समझ रहे हैं, गिर जाएंगे, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा टाइट रखना है। इसके लिए करेंगे आपका स्क्वाट्स, स्कूल बैग को पीठ में बांध देना, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ने जाते हैं ना उसी तरीके से आपको बांध लेना है फॉर्म में, पूरा पोजिशन ऐसे रहेगा, समझ रहे ना, स्क्वाट्स पोजिशन, बस 1 2 3 4, इस तरीके से आपको कम से कम 50 बार करना, अगर आप 50 बार नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, कम से कम 30 बार करिएगा, अगर आप 10 बार करेंगे तो आप समझ रहे हैं बहुत कमज़ोर हैं, 10 बार से नहीं कुछ होगा, कम से कम टारगेट रखिए कि 50 बार, हार्डली 30 हो ही जाएगा, ठीक है ना। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे इसमें आपका लंजेस, देखिए ये, ठीक है, ये 1 2 3 4 चेंज, 1 2 3 चेंज, इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बोलो क्या होता ना कि उभिया जाते एक के चीज करेंगे तो उनका मन नहीं लगेगा, तो इसमें आप वॉक कर सकते हैं लंजेस वॉक, 1 2 3, और ये एक्सरसाइज उनके लिए भी अच्छा है जो एथलीट है, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अगर रेगुलर कीजिएगा तो आपके पूरा पैर खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद करेंगे आपका काम मसल, ये मसल, ठीक है, इसके लिए करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए 2 ब्रिक्स, ठीक है, 2 ब्रिक्स को यहाँ रख लीजिए, दीवार को ऐसे पकड़ लीजिए और उठना, 1 2 धीरे धीरे 3 4, और इसको कब तक करिएगा, जब तक आपका यहाँ दर्द नहीं करे, इसका कोई रेप्स नहीं होता, ठीक है, मेरा मानना है कि इसका कोई रेप्स नहीं होगा, जब तक यहाँ पेन नहीं करे तब तक करते रहिए, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप थक जाएंगे, फिर उसको कैसे चलेंगे आप, इधर ही चलेंगे, ठीक है, मतलब आपका फटा है, मतलब ये वाला आपका फट गया है। तो दोस्तों यही आपकी स्कूल बैग से वर्कआउट है जो आपको करना है, अगर आपको चाहिए कि हमको प्रॉपर
मतलब चेस्ट के दिन पूरा चेस्ट करेंगे, 5 वेरिएशन करेंगे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम इसका वीडियो बना देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। आपकी भाई की वीडियो है, जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या आपको अपनी पसंद की वीडियो बनानी है तो आइए इंस्टाग्राम पर रवि राजरंजन 100 हमारा यूज़र नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो नए यूज़र है, जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RRR फिटनेस को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। आपका यूट्यूब चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय दोस्तों।